बात करेंगे कि कल का दिन आपके लिए कैसा जाने की संभावना बनती है कल के राशिफल की स्थिति क्या रहने वाली है लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कल के दिन की शुरुआत कैसे करेंगे क्या होगा कल का महा उपाय कल काल मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल या गुलाब के फूल की पंखुड़ियां अर्पित कीजिए और घर से निकलते समय इस फूल को अपने पास रख लें या पंखुड़ी को अपने पास रख लें पूरा दिन आपका सफलता के साथ बीतेगा दिन में आपको आर्थिक लाभ भी होगा और दिन में तमाम तरह की सफलताएं भी आपको प्राप्त होंगी चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि कल के लिए मेष राशि वालों का दिन कैसा जाएगा मेष राशि वाले कल अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे लंबी यात्रा की संभावना बन रही है और किसी अतिथि का आगमन भी इस समय हो सकता है शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा सत्तर प्रतिशत वृष राशि के लोगों के साथ काफी व्यस्तता रहने वाली है पुराने लोगों से मुलाकात होगी हालांकि कल के दिन आपको उपहार का और धन का लाभ भी होगा शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य साथ निभाएगा पचहत्तर प्रतिशत मिथुन राशि वालों की दौड़ भाग थोड़ी बढ़ सकती है व्यवसाय नौकरी की दशा आपकी बेहतर हो जाएगी इस समय अनावश्यक तनाव ना पाले तो आपके लिए बहुत अच्छा है शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य साथ निभाएगा 80 प्रतिशत कर्क राशि वालों की नौकरी में तमाम तरह के दबाव बढ़ सकते हैं कल के दिन दूर की यात्रा की संभावना भी दिखती है दिन को बेहतर बनाने के लिए दही खाकर घर से निकलिएगा तो आपका दिन बेहतर होगा शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60 प्रतिशत सिंह राशि वालों का मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है कहीं घूमने जा सकते हैं मनोरंजन पर धन आपका खर्च होगा शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा सत्तर प्रतिशत कन्या राशि वालों का दिन आलस से भरा रहेगा परिवार में खुशहाली आएगी संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बने हुए हैं शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा पचहत्तर प्रतिशत तुला राशि वालों को धन की प्राप्ति होने के संकेत हैं। किसी बड़े पद की प्राप्ति भी इस समय हो सकती है लेकिन अपनी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें सेहत के मामले में लापरवाही ना करें शुभ रंग भूरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा पचहत्तर प्रतिशत वृश्चिक राशि वालों का कोई महत्वपूर्ण काम कल के दिन बिगड़ सकता है ध्यान रखें और सेहत के मामले में भी कल के दिन लापरवाही ना करें जो भी काम करना चाहते हैं सोच समझ कर करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा साठ प्रतिशत धनु राशि वालों के लिए कल करियर में व्यस्तता रहेगी हालांकि आपके तमाम रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें वाणी पर नियंत्रण के मामले में लापरवाहियां ना करें शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा सत्तर प्रतिशत मकर राशि वाले संपत्ति के मामले में कल के दिन परेशान हो सकते हैं और इस समय नौकरी में बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है अपनी जो योजना है जो प्लानिंग है वो दूसरों को ना बताएं तो अच्छा होगा शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा सत्तर प्रतिशत कुंभ राशि वालों के काम का दबाव बना रहेगा खर्चे बढ़े रहेंगे काम के साथ साथ थोड़ा सा आराम का भी ध्यान रखें तो अच्छा है आपके लिए शुभ रंग मरून है और भाग्य है पचहत्तर प्रतिशत मीन राशि वालों के रिश्तों में दिक्कत आ सकती है इस समय आपको धन की हानि हो सकती है धन आपका फंस सकता है अपने वाणी और अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 60 प्रतिशत